आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। नंबर 28 है हमारा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के इक्वल है तो हमें निकालना है ये, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, अगर हम क्यूब कर दें दोनों साइडों का तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू जीरो का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू जीरो का होल क्यूब हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू जीरो का होल क्यूब। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो, है ना, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दैट, है ना, लाइक दिस, है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो इधर रख लेते हैं और ये माइनस का थ्री ए बी सी जो है वो उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी प्लस का, ठीक है। अब बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई ए बी सी, ए बी सी से जो है वो हम दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू थ्री ए बी सी अपॉन एबीसी, ठीक है। दोनों साइडों को जो है वो एबीसी से डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर जो है वो एक ए से ये एक ए खत्म हो गया तो बच गया ए स्क्वायर अपॉन बीसी, एक बी से ये एक बी खत्म हो गया तो बच गया यहां पर बी स्क्वायर अपॉन एसी या सी ए, एक सी से ये एक सी खत्म हो गया तो बच गया सी स्क्वायर अपॉन एबी, और इस एबीसी से ये एबीसी खत्म हो गया तो बच गया थ्री, और ये आ गया इसका आंसर कि ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू थ्री। तो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए या ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू थ्री, तो थ्री विल बी द आंसर। तो सबसे पहला काम क्या करना था कि इन दोनों साइडों को क्यूब करना था, और इनकी क्यूबिंग करके हमें यहां पर ये आइडेंटिटी मिल जाती, इसका जीरो ही रह जाता क्यूब, इसे उधर हम ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये देखना है कि हमें यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहां पर ए बी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है। अब इसमें से एक अगर ए हटाना है, एक बी हटाना है, एक सी हटाना है, तो इसका मतलब ए बी सी से इन्हें डिवाइड करना है, इधर ए बी सी से डिवाइड करना है, खाली वैल्यू निकल के आ जानी है। तो क्वेश्चन नंबर, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।